हेलो गाइस, आज के लुक को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ टोनर। कोई भी फेस टोनर आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद मैं लगा रही हूँ सनस्क्रीन, क्योंकि सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। ये मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन दोनों हैं, आप लगा सकते हो। ये गुड वाइब्स क्या है। और इसके बाद मैं लगाऊंगी ये सुनीसा का प्राइमर, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, प्राइमर भी और फाउंडेशन भी। प्रियांश पीछे शोर मचा रहा है, उसको प्लीज़ इग्नोर करना। और टोनर जो अप्लाई किया था ना, उससे स्वेटिंग नहीं होती है फेस पे मेकअप के बाद, तो इसलिए आप टोनर ज़रूर अप्लाई करना सबसे पहले। और ये है मेरा फेवरेट सुनीसा फाउंडेशन, मेरा वन ऑफ द फेवरेट फाउंडेशन है ये, क्योंकि इसको जैसे ही हम अप्लाई करते हैं तो एक बार तो फेस एकदम वाइट वाइट सा हो जाता है, जैसे हमने कुछ कली सी पोथ ली हो। लेकिन थोड़ी देर बाद, 5-10 मिनट लेता है आपकी स्किन के अकॉर्डिंग एडजस्ट होने में। तो जैसे जैसे आप अप्लाई करोगे आपको ऐसा लगेगा वाइट वाइट हो गया फेस बहुत ज़्यादा, लेकिन 5-10 मिनट बाद वही फाउंडेशन आपकी स्किन के साथ एकदम एडजस्ट हो जाता है। अभी आप देखोगे धीरे धीरे जो है मेरा जब अप्लाई किया एकदम वाइट वाइट लग रहा था, तो धीरे धीरे एडजस्ट हो गया वो स्किन में, स्किन टोन के साथ। और अब मैं एज अ कंसीलर भी आईज़ पे भी अप्लाई कर रही हूँ और नेक पे भी अप्लाई कर लिया। अब मैंने कॉन्ट्रोर स्टिक ली है NYBA की, अभी इससे मैं अपने फेस की कॉन्ट्रोरिंग कर रही हूँ। जहाँ पे भी मुझे लगता है कि मेरे एक्स्ट्रा फैट है तो मुझे एक फेस को स्ट्रक्चर देना है, तो उसके लिए कॉन्ट्रोरिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए मैंने इस तरीके से कॉन्ट्रोरिंग की है। मैं नोज़ की कॉन्ट्रोरिंग कर रही हूँ। एक्चुअली मेकअप बहुत दिनों से किया नहीं है मैंने, और मेरे को मतलब ऐसे समझ सा नहीं आता कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं बहुत कन्फ्यूज ही हो जाती हूँ आजकल, लेकिन फिर भी अब मैं कोशिश करूँगी अच्छे से मेकअप करने की, अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आने की। तो प्लीज़ आज एडजस्ट कर लेना, आप लोग माइंड मत कीजिएगा। ये भी रिक्वेस्ट वीडियो थी, तो रिक्वेस्टेड वीडियो बनानी पड़ी मुझे आज। और हर साल तो मैं अपनी मतलब खुद जब रेडी होती तो वीडियो शेयर करती थी, करवा चौथ के लिए जब रेडी होती थी। तो आज भी मैंने बना तो दिया वीडियो, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है, काम है, बनाना पड़ा। बट दिल से सच में बहुत ज़्यादा से फील हो रहा था कि बस क्या बोलूँ अब मैं, समझ जाओ आप। बाकी अब मैं मेरी नोज़ की भी कॉन्टोरिंग ब्लेंड कर ले रही हूँ ब्रश की हेल्प से। अब मैं लैक्मे का रोज़ पाउडर है, ये रोज़ पाउडर है और बहुत ही अच्छा ये रोज़ पाउडर है, अंडर बजट है। सारे जितने प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं तो आप परचेज़ करना चाहो तो कर सकते हो, मैं दिखा रही हूँ। इनके लिंक मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगी। अगर आपको कोई भी किसी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट का चाहिए होगा तो आप बता देना, मैं आपको पर्सनली जैसे आपके कमेंट के रिप्लाई में सेंड कर दूंगी लिंक इसका, किसी भी प्रोडक्ट का आपको चाहिए होगा जिसका भी। सो, इस तरीके से अपने फेस पे अभी अप्लाई करके मैंने आई मेकअप करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैं ये वाला शेड ले रही हूँ, लाइट सा शेड है ये, ब्राउन शेड। तो इसको अप्लाई करा उसके अपनी आईज पे। उसके बाद ये वाला रेड सा शेड लिया मैंने, इसको भी अप्लाई कर लेते हैं अब। तो बहुत धीरे धीरे आज मैं मेकअप कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया है मेरे से। पहले जैसे मेकअप मेरे से हो ही नहीं पा रहा है, फिर भी मैंने आज कोशिश की है करने की, मेकअप लुक क्रिएट करने की। अब आउटर कॉर्नर में मैं आउटर वी पे मैं लगा रही हूँ ब्लैक कलर का आई शेडो। आप कोई भी ब्लैक आई शेडो ले सकते हो। और इसके बाद देखिए आई मेकअप इतना भी काफ़ी सही लग रहा है आई शेडो में, लेकिन फिर मैंने इसके बाद गोल्डन ग्लिटर भी अप्लाई किया था। अभी मैं ब्लैक कलर का डेप्थ दे रही हूँ थोड़ी सी, मैंने कहा एक डेप्थ आ जाएगी आई में, आई मेकअप में जैसे एकदम अच्छा सा लुक आ जाएगा। फिर मैं गोल्डन सा ग्लिटर अप्लाई कर रही थी, बट ये ग्लिटर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि अभी तो ये इतना इतना लग रहा है ना कि इतना इतना अप्लाई किया हुआ है, उसके बाद पता ही नहीं कहाँ उड़ गया ग्लिटर ही उड़ गया मेरी आईज से। अभी आप फिर आगे आगे देखना, अभी देखो आधा रह गया आईज पे, थोड़ी देर हो गया लगाए हुए मुझे, बस मैं ये आई शेडो ये आई लाइनर उठा के लाई हूँ।
इतने में मेरा कितना आइस पे 1 लीटर है जो वो उड़ गया, पता नहीं कहाँ चला गया। और इससे मैं अभी अपने आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। जेल आईलाइनर बहुत इजी रहते हैं अप्लाई करने में, तो इसलिए मैंने यहाँ सोचा है जेल आईलाइनर ही अप्लाई करती हूँ। मैं इसको ढूंढ के लाई, मेरा बहुत सारा मेकअप का सामान था ना जो वो पता नहीं कहाँ चला गया, मिलता ही नहीं है, पता ही नहीं। बस मैं ऐसे ही रखती हूँ, वीडियो वीडियो बना के ऐसे रख देती हूँ सामान, तो हर कोई आता जाता है, अब किसको बोलने कौन लेके क्या कौन नहीं है ना। तो बस मुझे पता है मेरे घर में तो है नहीं बहुत सारी चीज़ें गायब हुई हैं। तो अभी आईलैशेस वाला जो मेरा मस्कारा था वो भी गायब हो गया, आईलैशेस की ग्लू भी नहीं है, आईलैशेस भी एक पेयर गायब है, मेरा हाइलाइटर भी गायब है, बहुत सारी चीज़ें मेरी हैं, लिप शेड्स तो मेरी अनगिनत गायब है, 8-10 लिप शेड मेरी गायब हो गई हैं घर से। तो बाकी का एक्स्ट्रा पाउडर ब्रश से रिमूव करने के बाद आईज पे से मैंने रिमूव कर दिया, और अब अपने आईलाइनर को शेप दे रही हूँ लोअर लैश लाइन पे भी। इसके बाद आईलाइनर मेरा अप्लाई हो गया है, मैं थोड़ा हाइलाइटर अप्लाई कर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर रही हूँ, इसका अच्छे से नहीं अप्लाई कर रही, थोड़ी सी शाइनिंग सी आ जाएगी कॉर्नर्स में, इसलिए अप्लाई कर रही हूँ। और बस ब्रश की हेल्प से जो भी एक्स्ट्रा पाउडर वगैरह था मेरे फेस पे उसको मैंने रिमूव कर दिया। ऑलमोस्ट आई मेकअप डन है, बस काजल वाइट काजल अप्लाई कर रही हूँ, इससे थोड़ी आई बड़ी लगती है, हमारी आईज पे एक अलग सही लुक आ जाता है, बड़ी बड़ी आँखें लगने लग जाती है। और उसके बाद लगाऊंगी मैं शुगर का आईब्रो पेंसिल। तो आईब्रो पेंसिल अप्लाई करते टाइम जैसे आपको बहुत डार्क डार्क लग रहा होगा, लेकिन बस वेट कीजिए पूरा देखिएगा, इसमें भी एक ट्विस्ट है। अब ब्रश की हेल्प से मैं जो है एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रिमूव करके और अपनी आईब्रोज को कॉम कर रही हूँ, इससे बहुत ही नीट एंड क्लीन लुक आता है आईब्रोज में। और अब मैं ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ, ये है ब्लू हेवन का ब्लशर, बहुत ही अच्छा पीच शेड है। ब्लशर के बाद है यहाँ पे शुगर का मस्कारा, ये मुझे नीलम ने दिया था, तो शुगर का मस्कारा मैं अप्लाई कर रही हूँ। अभी देखो आप मेरा आईज के ऊपर लगाया गोल्डन ग्लिटर, उड़ गया पता नहीं कहाँ चला गया, मेकअप करते करते उड़ गया, पता नहीं क्या हो गया ये मेरे साथ। अभी मैं ये मेरा लिप शेड बहुत प्यारा है, पर्पल का वेलवेट लिप शेड है, ये बहुत ही अच्छा कलर है, रेड कलर है, तो इसको अप्लाई कर रही हूँ। मेरे पास एक्चुअली मेकअप करते करते सुबह कॉल आ गई थी, तो मैं कॉल पे बात करते करते ही वीडियो अपना शूट करने लग गई थी, मैं मेकअप फिक्सर से मैं मेकअप सेट कर रही हूँ। सो ये है मेरा फाइनल लुक। गाइस जितना भी हो सका मैंने कोशिश की है करवा चौथ मेकअप लुक क्रिएट करने की, बस बिंदी मंगलसूत्र मेहंदी और सिंदूर, सिर्फ इन चीज़ों की कमी है। अभी ये मैं आपको लगा के नहीं दिखा सकती थी, सो जितना भी मैं रेडी होकर आपको दिखा सकती थी वो मैंने दिखा दिया। और ये चूड़ा, ये सूट, ये पता नहीं था मुझे कि मैं आज पहनूंगी इसको, आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए पहनूंगी, तो पहन लिया मैंने। और बाकी आप लोग जितनी भी सुहागनी वीडियो देख रहे हो तो आप लोग तो सब कुछ पहनिएगा, सिंदूर लगाना, मंगलसूत्र पहनना, चूड़ा वगैरह सब कुछ पहनना और अच्छी से लुक क्रिएट करना, मैंने जैसे आपको मेकअप लोग को मेकअप करके बस दिखाया है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है, कपड़े है, लहंगा है, साड़ी है, सूट है, ज्वेलरी है, कुछ भी है पहनना। और अगर मेरा आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत दिनों बाद मैं मेकअप वीडियो लेके आई हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। धीरे धीरे मैं दोबारा कंटिन्यू कर रही हूँ काम, और आप लोगों का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ देते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।